हेलो स्टूडेंट्स, सम एग्जाम्पल कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 9 बजे की क्लास रीजनिंग खल्लास में। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं अपने आज के एक और बेहतरीन सेशन की। सबसे पहले सभी स्टूडेंट सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके। बिल्कुल बच्चा, क्लास हो चुकी है स्टार्ट ऑन टाइम और आप लोग आ भी चुके हो। तो कैसा मना आपका गणतंत्र दिवस? हाँ, किस तरीके से मनाया आपने कल का दिन? क्योंकि बचपन में तो क्या करते थे, बचपन में परेड आती है, परेड तो खैर अभी भी आती है, नहीं झांकी निकलती है जिसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा नॉर्मली डीडी न्यूज पर आती है या नेशनल डीडी चैनल पर आती है। तो बचपन में पकौड़ी खाते खाते उसी को देखा करते थे। नहीं तो चलो, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं फिर इसी प्यारी सी मोटिवेशन के साथ अपनी आज की बेहतरीन क्लास को। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। तो समझ लेना, सही रास्ते पर हो, ठीक है। कहते ना, कई बार पढ़ते पढ़ते समय का ही नहीं पता चलता, समय कब बीत गया। इसका मतलब आप जिस काम को कर रहे थे उसमें पूरी तरह लीन हो चुके थे। तो उसी तरीके से जब आप तैयारी करते हो तो पता ही नहीं चलता महीने कैसे बीत रहे हैं, कब जनवरी आई, कब फरवरी आई, कब मार्च आई, है ना। इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। उसी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसके उपलक्ष में? 26 जनवरी के उपलक्ष में दिया जा रहा था। 27 जनवरी तक ही वैलिड है, केवल आज के लिए ही ये वैलिड है। आपको लगाना है कोड INDIA7070 और आप एग्जामपुर के सभी कोर्स पर 70% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लेते हैं SSC MTS हवलदार के बैच को तो ये बैच प्रतिज्ञा बैच पड़ेगा आपको 599 का। वहीं अगर आप UPSI का डॉन बैच लेते हैं तो 749 का ये बैच रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच 599 का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच भी 599 का। तो ये पूरा का पूरा मतलब लाभ आप उठा सकते हैं, केवल आज के लिए वैलिड है। ध्यान रहे कूपन कोड लगाना है INDIA7070। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज के टॉपिक को। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं? घड़ी, क्लॉक। अब क्लॉक से रिलेटेड प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो घड़ी, जिन्होंने घड़ी पहले ही पढ़ रखी होगी और जिनको थोड़ी बहुत पता है, कुछ कंफ्यूजन भी है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम अपने घड़ी वाले चैप्टर को करने वाले हैं। जीरो, बिल्कुल जीरो डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। घड़ी वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? तो मेजरली घड़ी वाले चैप्टर में या तो समय दे दिया जाता है और पूछता है एंगल बताओ कितना होगा, या फिर एंगल दे दिया जाता है, एंगल दे दिया जाता है, पूछता है बताइए समय कितना होगा। किसी भी समय का मिरर या वाटर इमेज पूछी जाती है, पूछा जाता है एक दिन में कितने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल बनते हैं। पूछा जाता है जब घड़ी स्लो या फास्ट हो जाती है तो किस तरीके से काम करेगी। और क्वेश्चन आता है कि जब घड़ी खराब हो जाती है तो किस तरीके से काम करती है। और भी है, तो इन सभी पर हम क्लॉक वाले चैप्टर पर बात करने वाले हैं। कॉपी पेन जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, अगर थियोरेटिकली आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सॉरी, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1, करिए कोशिश इसको करने की, होता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो मैं हूं। हर एक क्वेश्चन के साथ कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का है, उससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हर वो डिटेल हम हर एक साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, डाइस पासे से संबंधित। ध्यान है, क्या कह रहे हो, भूल गए हम? चलो, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको आज की क्लास के एंड में बता दूंगी, ठीक है जी। आ जाओ, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी,
ये आपको बताना है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि भाई जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक के, वो इस क्वेश्चन को करके ले जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट घड़ी घड़ी के घंटे वाली सुई के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है भाई, इसने घंटे वाली सुई पूछी है ना मुझसे, घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। आ जाओ, जब भी हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में, जब भी हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में या आर हैंड के बारे में, तो घंटे वाली सुई सर्किल का पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमने में 12 घंटे का समय लेती है। बेचारी 12 घंटे घूमेगी तब जाकर इसका 360 डिग्री का एंगल पूरा होगा। क्लियर है? मतलब घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? संभव 12 दिया 36 और 0। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। कौनो दिक्कत परेशानी नहीं खे? आगे, एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 बटे 60 काट लो, 1/2 आ गया। इसका मतलब भाई घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां से हमें दो मेन पॉइंट मिले। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। अब कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, अगर आपको ये चीज पता है तो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। दोपहर 12 बजे से 3:45 तक कितने घंटे बीते होंगे? भाई दोपहर 12 बजे से 3:45 तक 3 घंटे 45 मिनट बीते होंगे। 3 घंटे 45 मिनट, तो मैं सबको मिनट में कन्वर्ट कर लूंगी। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। 180 मिनट में 45 मिनट को जोड़ लो, टोटल कितने मिनट हो गए मेरे पास? तो 5, 8, 4, 12, 225 मिनट हो गए। तो मैं ये बोल सकती हूं कि 3 घंटे 45 मिनट में 225 मिनट होती है। क्लियर है? अभी मैंने पीछे पढ़ा कि घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। पीछे पढ़ा है हमने घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 225 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 225 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 112.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर आपने पहली बार में बड़े आराम से शांतिपूर्वक इस तरीके को समझ लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़िया लगेगा आप लोगों को और कभी कंफ्यूज नहीं होगी इन सब चीजों में। क्लियर है ये सारी चीजें? सही है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मिनट वाली सुई के बारे में पूछ लेता तो सेम क्वेश्चन दिया होता उसने और आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए 12 बजे से, बच्चा कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, कल ना मैं ऑफ पे थी, ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलो 12 बजे से 3:45 तक, अब मिनट वाली सुई के बारे में बताओ। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बताना जरा फटाफट से। अब देखो जरा आप अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं। मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ले लेना दोस्तों। 25 इसका आंसर हो जाएगा, 360 इसका आंसर हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये आपको बताना है, ठीक है? या फिर इसका आंसर हो जाएगा, हुँ।
750 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर अगर आपको लगता है कुछ और इसका उत्तर होना चाहिए तो नोटा भी दे सकते हो। बस ध्यान रहे इसने इस बार मिनट वाली सुई के बारे में पूछ लिया, ठीक है। जब मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा है तो हमें मिनट वाली सुई की पूरी चीज पता होनी चाहिए, जन्म कुंडली जो हमने अभी घंटे वाली सुई की निकाली। जब मैं मिनट वाली सुई के बारे में बात करती हूं तो ये रही घड़ी, ये रही मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई पूरा 360 डिग्री का एंगल पूरा करने के लिए केवल एक घंटा चलती है, एक घंटे में 360 डिग्री बन जाता है इसका। एक घंटे का मतलब 60 मिनट में एक 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जीरो से जीरो गया, 6 छक्का 36। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, यही चीज यहां पर लगा दो। टोटल कितने घंटे बीते हैं? 3 घंटे 45 मिनट बीत चुके हैं। एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में 6 18 180 मिनट हो गए, प्लस 45 ये हो गए, कुल मिलाकर हो गए 225 मिनट। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 225 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 से कर देंगे गुणा, 6 पंजे आ जाएगा 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 13 14 15 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1350 डिग्री विल बी राइट आंसर। क्लियर है या नहीं? आ गया होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है सभी का है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसके जो आपको करने होंगे। बच्चा 11 बजे वाली क्लास चलेगी आपकी? आज भी होगी, 11 बजे वाली तो चल ही रही है ना। 11 बजे वाली क्लास आप लोगों की जो एसएससी जीडी की है वो आज चलेगी, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड को करो। किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो बताइए घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बताइए जरा इसका उत्तर क्या हो सकता है। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, करना है फटाफट से, बिल्कुल होगी बच्चा। 11 AM वाली क्लास आपकी होगी, अपने ही निर्धारित समय पर होगी, ठीक है। चलो चले आगे। इसने बोला 7:30 हो रहे हैं तो बताइए घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो भाई 7:30 बज रहे हैं, जब भी समय देकर एंगल पूछेगा तो यहां पर लगता है एक फॉर्मूला, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट/2 घंटे मुझे दे रखे हैं 7, तो 30 × 7 माइनस के 11 × मिनट दे रखा है मुझे, 30/2 कर दीजिएगा, 15 × 15 = 30 आ गया। 7 × 21 दोस्तों 10 में से कितना घटा दूं? 1, 5 और 6 165 को घटा दो, उत्तर आ जाएगा 11 की 15 में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, कितनी बनेगी? 35 × 10 = 45 भाई। 7 × 21 यदि मैं 210 में से 11 की अगर 15 से गुणा कर दी जाए, 11 की अगर आप 15 से गुणा करोगे तो 1, 5 दोनों को जोड़कर बीच में आ जाएगा 6, बिल्कुल माइनस करना है, सही तो हो रहा है सब कुछ। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 45 आ जाएगी। क्या 45 यहां पर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही बाबू मोशाय, फिर 45 नहीं मिल रही ना। ओके, मतलब 7:30 बजे के आसपास 45 डिग्री का एंगल बनेगा, इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर इसने इंटरनल डिग्री नहीं दे रखी तो क्या पता एक्सटर्नल दे रखी हो, भाई अंदर का कोण नहीं दिया है, क्या पता बाहर का कोण दिया हो। एक बार देख लो निकालने में क्या जा रहा है। पूरा का पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, अगर अंतः कोण 45 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1 और 3 आ गया 315 डिग्री एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, बाहर वाला कोण, और 45 डिग्री अंदर वाला। दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो उसको आंसर कर देना, बजाय इनमें से कोई नहीं करने से पहले। भाई इनमें से कोई नहीं तब करेंगे जब मुझे ऑप्शन में ना तो 45 मिले ना तो 315 मिले,
45 नहीं मिल रहा, मान ली मैंने आपकी बात, पर 315 तो है ना। अगर 315 भी नहीं होता तो मैं करती यहाँ पे आंसर इनमें से कोई नहीं। उसने ये थोड़ा पूछा है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोण बताओ, वो तो हम बताएंगे, हालांकि प्राथमिकता छोटे कोण को ही दी जाती है। समझ में आया? आ जाते हैं आगे। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुई पहली बार 95 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएगी? करिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। कोशिश करिए इस वाले क्वेश्चन को करने की, फटाफट से बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करना जरा इसको जल्दी जल्दी, करिए जरा इसको फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर इसने एंगल दे दिया, समय पूछ रहा है कि वो कौन सा समय है जब 5 से 6 बजे के बीच में पहली बार दोनों सुई 95 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब भी एंगल देकर समय पूछा जाता है, लिख लेना अगर आप नोट कर रहे हो कॉपी में तो, जब भी एंगल देकर समय पूछा जाता है तो यहां पर लगता है फॉर्मूला 2/11 ब्रैकेट में ए प्लस माइनस के बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होती है, दोनों समय में से जो छोटे वाला समय है उसकी मल्टीप्लाई 30 डिग्री से कर दो। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एंगल क्वेश्चन में दिया जाता है। क्लियर? तो 2/11 ब्रैकेट में ए प्लस माइनस के बी। अब मुझे ये बताओ मैं बीच में प्लस करूं या माइनस करूं। इसने बोला पहली बार कब बनाएगी, पहली बार जब भी बोलेगा तो दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना, दूसरी बार बोलेगा तो प्लस लगाना। समझ में ना आए तो एक बार प्लस एक बार माइनस लगा देना। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 5। 5 में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी की वैल्यू जो एंगल दिया गया है 95 डिग्री कर दो। 2/11 ब्रैकेट में 5 × 3 = 15, 150 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा, 50 × 5 = 55 बचेगा। 2/11 × 55, 11 × 5 = 55, 5 × 2 = 10, मतलब 5:10 पर दोनों सुई के बीच में पहली बार 95 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको इस तरीके से नोट करो, अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो कैसे बनाना है ये लिखो, इस तरीके से नोट करना है। ठीक है, जब भी आपको समय देकर या समय पूछा जाता है एंगल देकर आगे, अब ये खुद करना है, कोशिश करो जल्दी से करने की, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, 30 से 35 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुई पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी। अब माइनस करने से पहली बार देख लेना वो कहां से कहां तक पूछ रहा है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन कैसा है, तो आपको एंगल दे दिया इस भैया ने, ओके, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, ओके, तो बता दो ठाकुर क्या होगा। हां जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, करें। ओके ओके ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 5:30 से 6 बजे के बीच दोनों सुई में पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। भाई एंगल पूछ रहा है तो फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, 2/11 ब्रैकेट में ए प्लस माइनस के बी लगा दो। 2/11 ब्रैकेट में ए प्लस माइनस के बी, ए दे रखी है, छोटी संख्या कौन सी है, 5:30 6 बजे में से छोटी संख्या 5 बजे की होगी, 5:30 मत उठाना। ठीक है, छोटी संख्या इसमें 5 बजे की है, जो पूरी पूरी घंटा दे रखा हो, छोटी संख्या में या छोटे समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू आती है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में जो एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री आ जाएगी। अब प्लस करना है या माइनस करना है,
साढ़े पांच बजे के बाद वाला समय देखेंगे तो प्लस कर देंगे वैल्यू को। 2/11 पांच दिया 15 150 आ जाएगा, प्लस करेंगे क्योंकि साढ़े पांच बजे के बाद का समय है। कितना जोड़ दूं, 70 डिग्री जोड़ दीजिए। 2/11 इंटू 7 5 12 220 आ जाएगा, 11 की गुणा करेंगे यहां पर 20 आ जाएगा, 20 × 2 = 40 बन जाएगा। मतलब 5:40 पर दोनों सुई के बीच में 5:30 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। बना है सभी का, आ रहा है समझ में किस तरीके से करेंगे? कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बन जाएंगे। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर आगे चलते। अच्छा एक क्वेश्चन और करना, मिरर इमेज का शायद है नहीं, मैं आपको दे देती हूँ। बताइए मुझे ये 8:45 हो रहे हैं, आपको बतानी है कि इसकी मिरर इमेज क्या बने। 8:45 हो रहे हैं, आपको बतानी है कि इसकी मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ऑप्शन भी ले लीजिएगा। ऑप्शन ए 2:15 दिखाई देंगे, या फिर 3:15 दिखाई देंगे, या फिर 6:30 दिखाई देंगे, या फिर अगर कोई और सा समय दिखाई दे बनता हुआ तो आप नोटा भी प्रिफर कर सकते हैं। मिरर इमेज की बात हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है। काफी समय पहले मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था। एसएससी जीडी वाली क्लास कब लगेगी संगीता? बच्चा लगेगी 11 बजे अपने निर्धारित समय पे। भाई 11 बजे होती है, 11 बजे लगेगी ना? हाँ लगेगी लगेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जब भी मिरर इमेज के बारे में बोलता है, शीशे से शीशा टकराया, या जब भी मिरर इमेज के बारे में बोले तो रात को भूत दिखते हैं 12 बजे, है ना? शीशे में भूत कब दिखते हैं? 12 बजे। चाहे 12 बजे बोल लो या 11:60 बोल दो, बात तो एक ही है। तो मैं 11:60 में से माइनस कर दूंगी दी गई वैल्यू को, तो मुझे उसकी मिरर इमेज पता चल जाएगी, क्योंकि ठीक 12 बजे, शीशे में भी 12 ही दिखते हैं, नेचुरल भी 12 ही होते हैं। 60 में से 45 गया बचेगा 15, 11 में से 8 गया बचेगा 3, मिरर में इमेज 3:45 दिखाई देगी। क्लियर है? आ जाओ, क्लियर है तो एक और क्वेश्चन करके बता दीजिए। अगर यहां पर मिरर इमेज ना पूछकर, दर्पण प्रतिबिंब ना पूछकर जल का प्रतिबिंब पूछता तो, अगर यहां पर मिरर इमेज ना पूछकर इसने बोला होता, बताइए वाटर इमेज क्या दिखाई देगी, जल का प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, तो इसका उत्तर क्या करते हैं? करो, जल का प्रतिबिंब पूछा जाए वाटर इमेज तो क्या होगा इसका आंसर? अभी दिखा नहीं रही है मैम चैनल पर ना? क्या नहीं दिखा रही है संगीता? क्लास नहीं दिखाया गया है? चलो अभी बोल देते हैं हम, ये तो बहुत अच्छी बात है आप रिमाइंड करवा रहे हो मुझे। होगी क्लास 11 बजे, दिखाई नहीं दे रही, रुको भी दिखाई देगी। अभी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिक्र मत करो, क्लास तो होगी अपने टाइम पे। चले आगे। तो इसने बोला जल का प्रतिबिंब कैसे ध्यान रखेंगे, तो भाई पानी पीते हैं सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर। दिया गया समय अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो दिए गए समय को 6:30 से घटाते, 6:30 को मैं 18:30 भी लिख सकती हूँ, कौनो दिक्कत परेशानी नहीं खे, दोनों एक ही तो है भाई। ट्रेन का टाइम शाम के 6 बजे की ट्रेन है, 6:30 की तो 18 दिखाता है, सुबह की है तो 6 दिखाता है। 6:30 को मैं 5:90 भी लिख सकती हूँ, कौनो दिक्कत परेशानी नहीं खे भाई, कैरी दे दिया उस पीछे वाले को एक, ठीक है। और 18:30 को मैं 17:90 भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मन करे वैसे लिख लो। हमें 8:45 घटाना है, किसमें से घटाना आसान होगा, 17:90 में से माइनस कर दीजिए 8:45 को, 90 में से 45 गए 45 बचेगा, 17 में से 8 गया 9 बचेगा,
क्लियर है या नहीं? आंसर कितना आ जाएगा? तो मिरर इमेज 9:45 दिखाई देगी। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताना जरा। क्लियर है? तो जब भी पूछेगा आपसे वॉटर इमेज, इसको मैं लिख देती हूं, दो चीज आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में। जब भी आपसे मिरर इमेज पूछी जाए, अभी इस पर और भी क्वेश्चन होंगे पर पहले समझ लेते हैं। जब भी मिरर इमेज पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाता है, हमेशा 12 में से वैल्यू को माइनस करते हैं। 12 बोलो या 11 घंटे 60 मिनट, दोनों एक ही बात है। जब भी जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, वॉटर इमेज पूछी जाए, जब भी जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, वॉटर इमेज पूछी जाती है, तो वहां पर 6.5 में से वैल्यू को घटाते हैं। 6.5 बोलो, 18.5 बोलो, 5:05 बोलो, 17:90 बोलो, दोनों सेम है, दोनों क्या चारों ही सेम है ना। तो बस ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करोगे कॉपी में, हालांकि हो सकता है कर भी रहे होगे। ये एक कदम आगे का और क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बेशक 5वें क्वेश्चन पे हैं, पर हमने कम से कम 5 से 6 इसके टाइप समझ लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको कर पाता है, और जिसने इसको कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने आप लोगों के फिर शुरू हो गए हैं। कैसे जानेंगे कि 6.5 से घटाना है? बच्चा जब वो वॉटर इमेज बोलेगा तभी आपको जानना है कि वो 6.5 से घटाएगा। एक और क्वेश्चन बता दीजिए मैम। चलो एक और क्वेश्चन बता दूंगी उसी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इसमें 96 आ रहा है, मैं पिटाई करूंगी। कौन नोएडा के आसपास से आंसर दे रहा बताओ? नोएडा तो आके पिटाई हो ही सकती है आपकी। शुरू करी मैम, एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल डोंट वरी, मैं एक बार और समझा दूंगी, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ना। आ जाओ, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे होगी? 96 करने वाले, रुक जाओ अभी, 88 तो फिर भी सही लग रहा है मुझे। इसने बोला 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी आगे होगी। पहले मिनट की सुई का एंगल निकालो, फिर घंटे की सुई का एंगल निकालो, फिर दोनों वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, पहले मैंने निकाला कि घंटे की सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बता दो जरा। कैसे निकालते थे? तो भाई घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती थी? 30 डिग्री का एंगल। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती थी? आधे डिग्री का। तो 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती थी, 16 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 8 डिग्री का एंगल। ये तो घंटे वाली सुई है। अगर मैं मिनट वाली सुई का निकालूं, भाई सब दोनों का ही निकालना पड़ेगा मुझे, तो मिनट की सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 16 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 16 × 96 96 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने आगे है। भाई मिनट की सुई घंटे की सुई से 96 डिग्री 8 डिग्री से कितना आगे है? 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और यहां तो पहले ही 8 बचा हुआ होगा। 88 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा बनाकर दे दिया जाता है, अन्यथा इतना बुरा क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है जी। चलो क्लियर है, चले आगे। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, परेशानी है, समझ में आया क्या था क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, लगेगा इजी है क्योंकि आंसर मिल गया 96, नहीं, पर एग्जामिनर 4 कदम आगे चलेगा आपसे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले मुझे ये बताओ, कर लोगे आराम से? एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको करना जरा था ना, बढ़िया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है इसमें? यदि एक घड़ी में दोनों सुई 3 मिनट की दूरी पर है तो उनके बीच का कोण कितना होगा, इसको करके बताना जरा क्वेश्चन नंबर 6, और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करो जरा इसको फटाफट से, करिए जरा इसका आंसर क्या होगा।
यदि एक घड़ी में दोनों सुई 3 मिनट की दूरी पर हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होगा? दोनों सुई के बीच में 3 मिनट की दूरी है, घंटे वाली सुई ले लो, मिनट वाली सुई ले लो, दोनों के बीच में 3 मिनट की दूरी है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 18, क्योंकि जाहिर सी बात है चीजें कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर चल रही है मेरी, मेरे बज गए 3, सपोज करो कि 3 बज चुके हैं, ठीक है 3 बज गए, मेरी मिनट वाली सुई चलेगी, उसके चलते घंटे वाली सुई चलती है, तो मेरी मिनट वाली सुई चलकर कुछ यहां पर पहुंच गई और दोनों के सुई के बीच में 3 मिनट की दूरी है, तो एंगल कितने का बनेगा? एंगल बनेगा जितना मिनट की सुई चली होगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 18 डिग्री का कोण बनाएगी। 18 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कहां पर क्या करना है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज्यादा आप समझते चले जाएंगे। एक इसको और करो, फिर मैं वाटर इमेज पे क्वेश्चन और बता देती हूँ, ठीक है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जल प्रतिबिंब पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा, इसको और कर लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ही रहा, करिए जरा इसको फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैम एसएससी जीडी की क्लास क्यों नहीं लेती हैं? बच्चा मैं लेती हूँ क्लास, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इतने भयंकर इल्जाम काहे लगा रहे हो मेरे ऊपर? अब आप क्या चाह रहे हो कि ये वाला सेशन ठीक है, आप क्या चाह रहे हो? बना हुआ है भाई, बना हुआ है सेशन, बना हुआ है, देखो जरा गौर से, ठीक है? और क्लास डेली हो रही है आपकी एसएससी जीडी की, कल नहीं हो पाई थी क्लास आपकी, ठीक है? कल थोड़ी सी हमारी तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए हमने सुबह, मैं तो सुबह वाली भी नहीं हो पाई थी भाई क्लास। बन रहा है या नहीं बन रहा है पहले बताओ, अभी जो पढ़ रहे हो पहले उस पर ध्यान दीजिए, फिर तो बाकी सारी चीजें देख ही लेंगे। 8:30 बजे के बीच दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 8:30 बज गए, अच्छा कौन बनेगा करोड़पति आ रहा होगा? नहीं भाई, 8:30 बजे तो क्या करेंगे, 30 घंटे माइनस के 11 मिनट अपॉन 2, हमें पता है जब भी समय देकर एंगल निकालता है। घंटे मुझे कितने दे रखे हैं? घंटे दे रखे हैं 8, मिनट कितना दे रखा है? 30 अपॉन 2 कर दीजिएगा, 8 * 3 = 24, 240 में से कितना घटा दूं भाई, 15 से कर देंगे इसको, 2 की 15 भी गुणा करेंगे 30, या जाएगा 165 माइनस कर देना 10 में से 5 किया 5 बचेगा, बचा यहां पर 3, ये कितना आ जाएगा 7, 75 डिग्री का आंसर हो जाएगा। 75 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम परेशानी बताओ? अब ये चाह रहे हैं कि एक मैराथन हो जाए मैराथन हो जाए, रुक जाओ, मैराथन देखती हूं मैं, करती हूं कोशिश, ठीक है? मैराथन की पूरी कोशिश की जाएगी इस संडे में, अगर पॉसिबल होता है तो, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, नहीं तो फिर मंडे में आप लोग मेरे ऊपर हावी हो जाओगे। नहीं, मैराथन की कोशिश की जाएगी, देखते हैं, पॉसिबल है तो जरूर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी रेखा में होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी रेखा में होती है लेकिन दिशा में विपरीत होती है, मतलब दिशा में विपरीत कितनी बार होगी? दिशा में विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनाएगी। हमें पता है कि एक घंटे में मात्र एक बार 180 डिग्री का एंगल बनाया जाता है दोनों सुइयों के द्वारा, तो 12 घंटे में 12 बार बनाना चाहिए था, लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक समय ऐसा आता है जब बजते हैं आपके 6:30 एक समय ऐसा आता है जब बजते हैं 6:00 बजे परफेक्ट 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ना तो इससे पहले बनता है ना इसके बाद बनता है, मतलब एक एंगल बनना चाहिए था 5 और 6 के बीच में और एक बनना चाहिए था 6 और 7 के बीच में, बनना चाहिए था 2 बार एंगल लेकिन बन जाता है केवल 1 बार जब बचते हैं 6, इसलिए 1 बार एक्स्ट्रा एंगल नहीं बन पाता। कहा जाता है कि 12 घंटे में केवल 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है,
ये समझना बहुत जरूरी है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप समझेंगे, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसका जिम्मेदार कौन है? 6 बजे का समय है, ठीक है। एक दिन में कितने बार बनेगा? तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 12 घंटे में 11 बार बनता है तो 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 9 करिए जरा इसको भी फटाफट से, ये पॉइंट्स हैं, अगर 10 क्वेश्चन आपने करे तो 10 टॉपिक आपने कर लिए घड़ी के। क्वेश्चन नंबर 9 को करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, करो जरा इसको एक बार जल्दी से। अरे बच्चा थैंक यू सो मच, आंसर करिए सभी लोग, सभी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं। नहीं, सुंदरता जो होती है ना इंसान की, वो व्यक्तित्व से झलकती है। नहीं, चेहरा का क्या है, चेहरा आज नहीं तो कल तो मुरझाएगा ही, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा ना बुढ़ापा, तो सबको ही आना एक ना एक दिन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करके बता दो एक बार इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है, घड़ी की दोनों सुई कितने बार एक साथ होंगी, कितने बार एक साथ होंगी, तो ये 0 डिग्री के बारे में पूछ रहा है, एक दिन की बात की जा रही है। 0 डिग्री एक घंटे में केवल एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन किंतु परंतु बंधु जब बच जाते हैं ठीक 12, तो ना तो इससे पहले ना इसके बाद में, ठीक 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बन जाता है। बनना चाहिए था 2 बार, बनता है केवल एक बार, इसलिए कहा जाता है कि 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है, और इसका जिम्मेदार कौन है? 12 बजे का समय जिम्मेदार है। 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार बनेगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बस हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और आ जाओ और देखिए, और एक इस वाले क्वेश्चन को और करके बता दीजिए, फिर चलते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर। अच्छे लेवल का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आ जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 को करिए एक बार फटाफट से, इसके बाद चलेंगे इसका थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते हुए, बढ़ाते हुए। 12:48 पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, करिए जरा बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है, करिए जरा फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से करके बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। ए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चलो देख लेते हैं सही है या नहीं। पढ़ें, शुरू करें इसको, करना कैसे कवर अप करेंगे या किस तरीके से इसको किया जाएगा। आ जाओ, तो भाई इसने क्या बोला, 12:48 पर, 12 बजे मान लो या इसको 0 डिग्री मान लो, जो आपका मन करे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। भाई जब भी आपसे एंगल पूछा जाता है तो 30 घंटे माइनस के 11 अपॉन 2 होता है, या तो मैं 12 बजे को 0 मान सकती हूँ, या तो मैं 12 बजे को 12 ही मान सकती हूँ, आपका जो भी मन करे आप वो मान लेना, ठीक है। अगर मैंने 0 माना तो 30 की गुणा 0 में करूंगी, 0 ही आ जाएगा, माइनस 11 की मल्टीप्लाई मुझे करनी होगी किसमें, 48/2 में, 2 से इसको काटोगे कितना बना देगा ये, 2 दुनी 4 और 2 चौके 8, 11 की गुणा 24 में कर देना कितना आ जाएगा, 2, 4, 5, 6, 264 डिग्री आ गया। 264 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, कोनो दिक्कत नहीं थे, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण, अंतः कोण निकाल दो, 360 डिग्री में से 264 को घटा दीजिएगा, 10 में से 4 गए बचेगा 6, 5 में से 6 गए बचेगा 9, 5 क्या हो 15 हो गया ना, एक ले लेंगे कैरी, तो 96 डिग्री ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बना था सभी का, बन गया था, तो चले आगे। हाँ जी बच्चा, बाद में आपस में बात करेंगे। चलिए जी, बन गया था आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं बना था तो बहुत गलत बात है। कब बनाओगे आंसर, जब पेपर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको बताना है क्या कि 3:00
3:23 हो रहे हैं, इसकी वाटर इमेज क्या होगी? 3:23 हो रहे हैं, इसकी जल प्रतिबिंब क्या होगी? करिए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन भी ले लीजिएगा, ऑप्शन यहां पर आपको दिया जाता है क्या? 2:07 इसका सही आंसर है, 3:07 इसका सही आंसर है, 6:27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या नोटा नन ऑफ दी अबव, हो सकता है इसका कुछ और ही उत्तर हो। जैसे एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने बनाया ताकि वो जो कंफ्यूजन थी दूर हो जाए। पीडीएफ मैं अब तो प्रोवाइड करवा रही हूं, हाँ जी पीडीएफ तो मैं अब प्रोवाइड करवा रही हूं। 3:23 की बात हो रही है, उसको छोड़ो, पूछ रहा है जल प्रतिबिंब। जल पीना चाहिए सुबह सुबह, गुनगुना पानी पीना चाहिए, उससे ना आवाज ठीक रहती है ना। सुबह सुबह जल उठ के पीना चाहिए, कितने बजे? तो जल पी लीजिए 6:23 पर, 6:30 बजे। अब 6:30 को मैं 5:90 भी कह सकती हूँ, 18:30 या 17:90 भी कह सकती हूँ, ये चारों का मतलब एक ही होता है। ये वैल्यू किसमें से आसानी से घट जाएगी? इस वैल्यू को आसानी से मैं 6:30 में से घटा सकती हूँ, तो काहे बड़ी वैल्यू लेना भाई। दी गई संख्या को 6:30 में से घटा दो, मेरे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 3:07, मतलब 3:23 का जल पे प्रतिबिंब 3:07 दिखाई देगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बस यही था इसके अंदर, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके जो आते हैं जल प्रतिबिंब से रिलेटेड। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका मॉडरेट लेवल, उस लेवल पर जाने से पहले अब वो स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी इंडिया 7070 कोड का इस्तेमाल आपको भी करना है, क्योंकि आपके भी सभी कोर्स पर 70% का ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें आरआरबी एएलपी CBT1 असिस्टेंट लोको पायलट वंदे भारत बैच मिलेगा 1199 में, आरआरबी एएलपी फिटर इलेक्ट्रीशियन के साथ 1199 में बैच है, CBT1 CBT2 के लिए बैच ले रहे हैं 1499। CBT1 या CBT2 इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आप बैच को ले रहे हैं, देखो अगर आप CBT1 या CBT2 इलेक्ट्रीशियन या फिटर क्या इंडिविजुअल बैच लेते हैं तो 1199 का मिलेगा, और अगर आप चाह रहे हैं कॉम्बो ट्रेड के साथ बैच लेना तो 1799 का है। इस ऑफर को अवेल करने की लास्ट डेट आज की है, 27 जनवरी की है, तो जरूर इसको ऑफर का लाभ उठाएं, जाहिर सी बात है। कोर्स को परचेज कर लीजिए, तैयारी एकदम कहते ना जी सेम। देखो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी, अरे इतनी हंसी आ रही है, क्या मिल गया आपको ऐसा? क्या मिल गया हमें भी बता दो, हम भी हंसेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग पहली बार तैयारी करते तो जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, और थ्योरेटिकल आपको एप्लीकेशन पर हर एक टीचर के द्वारा हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करिए जरा इसे फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो जरा इसे एक बार, करिए जरा इसे फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैम एमटीएस का पेपर दे दो, ये क्या क्या बोलना चाह रहे हो, किसने क्या रिवाज निकाला है, बच्चा अगर पढ़ने पर ध्यान दो ना इतना तो क्या ही हो जाए। नहीं कहते हैं ना, देखो दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है बाह्य दुनिया को देखो और एक होता है अंतः दुनिया को देखो, है ना। अगर इंसान अपने अंदर की दुनिया को देखेगा तो उसका भला होता है, पर इंसान अगर बाहर की दुनिया को देखता है ना तो उसका टाइम वेस्ट होता है। अब आपके ऊपर है, आपको अंतः कोण देखना है या बाह्य कोण देखना है, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे, बढ़िया क्वेश्चन है और ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्लॉक में अगर इजी देगा वो तो आप सभी कर लेंगे, थोड़ा सा टिपिकल देगा तो ऐसा दे सकता है। एक घड़ी जो कि लगातार धीरे चल रही थी, ठीक है, रविवार शाम 5:05 तेज हो जाती है, जो घड़ी है अपनी वो रविवार को शाम 5:00, संडे शाम 5:05 तेज थी, ओके। यदि मंगलवार मतलब ट्यूसडे, यदि मंगलवार शाम 5:07 पीछे हो जाती है
तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों है अभी देखते हैं। भाई देखो होता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रिक को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। मेरे पास घड़ी थी, पहले तेज चल रही थी फिर धीमी हो गई, जाहिर सी बात है। कभी ना कभी तो ऐसा समय आया होगा जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। भाई पहले 5 मिनट तेज थी फिर 7 मिनट धीमे हो गई, तो जब घड़ी ने इस 5 मिनट को कवर किया होगा तो उसने सही समय दिखाया होगा, जाहिर सी बात है। कैसे करते हैं क्वेश्चन को, टोटल कितने घंटे घड़ी चली है पहले ये निकाल लो, टोटल घंटे कितने हुए घड़ी को चलते चलते, उस टोटल घंटे में टोटल समय एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितना चलना पड़ा। अगर घड़ी ने पहले वाला समय कवर कर लिया होता तो वही ऐसा समय था जब उसने सही समय दिखाया होता। टोटल घंटे कितने बीते, तो संडे के बाद आता है मंडे ट्यूसडे, 2 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन का मतलब क्या होता है, 2 दिन का मतलब टोटल 48 घंटे बीत चुके हैं। टोटल कितने घंटे बीते, 48 घंटे बीते अपॉन टोटल टाइम की हम बात कर लेते हैं। अब टोटल कितना समय चलना पड़ा घड़ी को, अब देखो बेचारी 48 घंटे में पहले तो 5 मिनट कवर किया उसने, फिर 7 मिनट पीछे गई, कुल मिलाकर उसको 12 मिनट एक्स्ट्रा धीरे होना पड़ा, है ना। कुल मिलाकर घड़ी को टोटल 12 मिनट धीरे चलना पड़ा, कितना 12 मिनट, जोड़ दिया सबको 7 और 5 12। जब उसने पहले वाला समय कवर किया होगा, जब उसने ये 5 मिनट कवर किए होंगे तो उसने सही समय दिखाया था, तो ये 5 मिनट की कर देना गुणा, बस इतनी सी बात है। कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48, 4 पंजे 20, 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा अब 20 घंटे दे रखे हैं, अब मैं इसको करूं तो करूं कैसे, ये 20 घंटे मुझे जोड़ने पड़ेंगे पहले वाले समय में। संडे के बज रहे थे 5, इसमें 20 घंटे जोड़ने, या तो 20 जोड़ो या तो 24 जोड़कर 4 घटा दो, एक ही बात है। मैं 20 घंटे को लिख सकती हूं 24 माइनस के 4, क्योंकि ज्यादा आसान हो जाएगा। संडे 5 बजे में मैंने पहले 24 घंटे जोड़ दिए तो कितना हो गया भाई, संडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बज गए 5, पहले 24 घंटे जोड़े फिर 4 घटा दो, 5 में से 4 गया बचेगा 1, मतलब घड़ी ने सोमवार दोपहर 1 बजे सही समय दिखाया होगा। सोमवार दोपहर 1 बजे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है या नहीं है बताओ, पहले आंसर आया या नहीं आया बताओ पहले। ऑप्शन ए 100 के 100% सही होगा। ये जिन्होंने बी आंसर किया है क्यों कर रहे हो, देखा भाई ये दुनिया देखने का यही असर होता है, भाई ये कोड नहीं देखना है ना, ध्यान नहीं है क्लास का। देखो मैं आपको बताती हूँ ऐसा होता है ना, ऐसा कई बार होता है, जैसे नॉर्मली आप लोगों के टीचर्स, ऐसा हमारे भी स्कूल में टीचर्स शादी करते थे तो थोड़ा होता था चलो बातें करते हैं उनके बारे में, नहीं ये इंसान का फीचर है। आपके क्लास में कुछ हो जाए या आपके मोहल्ले में कुछ हो जाए, कम से कम उस पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने तक तो चर्चा चलेगी, ये तो नॉर्मल है। पर आप उस चर्चा के चक्कर में इतना ना खो जाओ कि आप अपनी पढ़ाई भूल जाओ, है ना। चर्चा के टाइम चर्चा करो भाई, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पढ़ भी लो, है ना, मैं मना नहीं कर रही, मत करो, वो भाई आपका अधिकार है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊं तो पढ़ने पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अब आपस में बात कर रहे हो, आ गया ये क्वेश्चन, तो यूट्यूब पे आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है और बताओ इससे तो क्या ही बेस्ट मिलेगा, देख लेना वीडियो को दोबारा से चलाकर, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों का ध्यान था 100% श्योरिटी के साथ मैं बता सकती हूँ उनको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। बस होता क्या है, एक बार मैं रिमाइंड करवा दूंगी आप सभी को, बाकी क्लास को दोबारा से चलाकर जरूर देखना, ठीक है, क्लियर है जी, आ जाओ एक बार बस मैं रिमाइंड करवा दूं यहां पर सारी चीजें आपको, है ना, बातचीत करो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जब पढ़ो तो पढ़ लो, क्योंकि अंत में ना पढ़ना ही वो होता है आपका सक्सेसफुल होता है, और कुछ भी चीज नहीं रहती साथ में। आ जाओ, जब क्वेश्चन दिया जाए कि पहले तो घड़ी धीरे थी फिर तेज हो गई, पहले तेज थी फिर धीरे हो गई, जब भी क्वेश्चन स्लो और फास्ट वाला आता है या घड़ी के तेज होकर स्लो होने का आता है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम फॉर्मूला, टोटल घंटे जितना चली
टोटल समय जितना एक्स्ट्रा लिया, अगर पहले वाला समय कवर कर लेती तो घड़ी ने सही समय दिखा दिया होता। घड़ी चल रही है रविवार, रविवार मतलब संडे शाम 5 बजे, घड़ी थी 5 मिनट तेज। ओके, जब मंगलवार के शाम 5 बजते हैं तो हमारी घड़ी 7 मिनट पीछे हो जाती है। उड़ी बाबा, इसका मतलब टोटल कितने घंटे चल रही है मेरी घड़ी? संडे से ट्यूसडे हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन का मतलब टोटल घड़ी को 48 घंटे चलना पड़ा। ओके, 48 घंटे में टोटल कितना समय एक्स्ट्रा उसने कवर किया होगा? तो पहले 5 मिनट तो तेज थी मेरी घड़ी, फिर 7 मिनट धीरे हो गई, टोटल कितना धीरे हुई? पहले 5 से 0, 0 से 7, कुल मिलाकर घड़ी को 12 मिनट धीरे धीरे चलना पड़ा। कितने घंटे में? 48 घंटे में। कितना टाइम चलना पड़ा इसको एक्स्ट्रा? 12 मिनट। जब मेरी घड़ी ने 5 मिनट जो वो तेज थी, जब उसने वो 5 मिनट कवर कर लिए थे, वही ऐसा समय होगा जब उसने सही टाइम दिखाया होगा। मतलब जस्ट 5 मिनट अगर वो कर लेती यहां पर कवर, तो उसने सही समय दिखा दिया होता। तो बस यही तो सारी चीजें करनी थी आपको, इसको कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेशन में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, कैलकुलेट करो इसे कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर देखिए 12 चौके आ जाएगा आपका 48, 4 पंजे आ जाएगा 20, 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। संडे 5 बजे में 20 घंटे जोड़ दो, सोमवार के 1 बज जाएंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो जरूर इसको दोबारा से चला कर देख लेना। देखो एक दिन होता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझना ही होता है, कब तक रटेंगे चीजों को। और एक बार अगर आप समझ लोगे ना इसे, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कभी आपको दोबारा से समझना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे। पर वो एक दिन निकालना पड़ेगा आपको समझने के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कुछ कुछ उसी प्रकार का है। और क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको देती हूँ एज अ होमवर्क, और मुझे आशा है कि अगर आपने समझा है तो इसका आंसर जरूर करके बताएंगे, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, क्लियर। बाकी अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ, पढ़ाई धोखा नहीं देती भाई, है ना। आ जाओ, तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अभी आप लोगों की 11 AM वाली भी, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं SSC GD की क्लास आपकी 11 AM पर भी होने वाली है, तो 11 बजे आप SSC GD की क्लास में जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं फिर हम लोग अभी SSC GD के 11 बजे वाले सेशन में मिक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए शैतान कहेंगे। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।